हर हर महादेव। देखिए हमारे पास में बहुत ही सुंदर दो प्रश्न हैं जो कि सार्वजनीन हैं, सार्वजनिक हैं, सभी के उपयोगी हैं। ये एक बहन है रिम्पी शर्मा करनाल हरियाणा से, इनके प्रश्न हैं। ये कह रही हैं कि कपड़े किस दिन नहीं धोना चाहिए, किस किस दिन कपड़ों को साबुन से नहीं धोना चाहिए। और दूसरी बात है इनका प्रश्न कि माता बहनों को सिर से स्नान माने बाल धोना किस दिन वर्जित है। दो प्रश्न है। देखिए माने माताएं सिर से किस दिन न नहाएं, कब कब नहाना उनके लिए मना किया गया है शास्त्रों में। और दूसरा कि ये कपड़े किस दिन न धोए जाए साबुन इत्यादि से। तो देखिए और इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ लोग वीरवार के दिन वस्त्र नहीं धोते हैं, क्या ये सही है? वीरवार क्या गुरुवार, हाँ गुरुवार के दिन। पहली बात तो ये देखिए, अब इनका उत्तर समझें। पहले तो ये देखिए कि ये जो गुरुवार है तो सातों जो बार है हमारे उनमें सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों ने इसको इतना निंदित बना रखा है। जिस कार्य में देखो बोले इसका गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन ये काम नहीं होता है हमारे यहाँ। अरे भाई पंडित जी हमारे यहाँ ऐसा गुरुवार को तो नहीं करते, कई लोग हमको पूछते रहते हैं। तो यूं समझ लीजिए आपके यहाँ गांव में मोहल्लों में बाजार में समाज में जहां भी ये प्रचलित हो कि ये कार्य गुरुवार में नहीं होता है वो गलत है। हर एक का अगर शास्त्रीय है कहीं कोई शास्त्र के अनुसार बतलाते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन समाज में जो भी प्रतिष्ठित है वो गलत है। जहां तक मैंने अभी तक देखा वो सब गलत पाए। भाई गुरुवार में हमारे यहाँ तेरे भी नहीं करते हैं, गुरुवार में मुर्दे नहीं जलाते हैं, गुरुवार में कपड़े नहीं धोते हैं, गुरुवार में कोई शोक प्रकट करने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, ये सब गलत है। गुरुवार से अच्छा कोई बार नहीं है। बोले हमारे यहाँ सगाई नहीं होती है, हमारे यहाँ जो है लगन सगाई आपने मुहूर्त निकाल दिया, गुरुवार में हम लोग विवाह नहीं करते। अरे भाई क्यों नहीं करते, क्या बात नहीं करते? तो मनमाना है तो अपने जो मनमाना करते रहिए। तो कहने का तात्पर्य गुरुवार जिन जिन कार्यों में आपके दिमाग में गांव में मोहल्ले में जो जो निषेध किया जा रहा है वहां नहीं है, वहां विहित है, उस कार्य में करना चाहिए। एक बार इसी संदर्भ में देखिए लोग गुरुवार के दिन जो है साबुन से कपड़े नहीं धोते हैं, हमें तो भाई कहीं निषेध नहीं मिला। यद्यपि एक चीज के भी कई मुहूर्त होते हैं, कहीं होते हैं कहीं होगा तो हमको बतलाना भाई। वस्त्र किस दिन छार से माने साबुन से नहीं धोना चाहिए उसके लिए हमारे यहां शास्त्रों में वचन है। देखिए शनि भौमध्य ने श्राद्धे कुहु षष्ठी निरंसके वस्त्राणाम क्षार संयोगो दहत्या सप्तमम कुलम। देखिए शनिवार के दिन वस्त्रों को साबुन से नहीं धोवे, शनि भौमध्य ने, और मंगलवार के दिन नहीं धोना चाहिए, और श्राद्ध जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन किसी को भी कपड़ों को साबुन से नहीं धोना चाहिए, और तो और वैसे भी कपड़ों को नहीं धुल के निचोड़ना चाहिए। जब तक श्राद्ध नहीं हो जाए तब तक उन वस्त्रों को रख दे वे, अन्यथा लिखा हुआ है कि श्राद्ध वाले दिन कोई व्यक्ति नहा धोकर के साबुन और जो है वस्त्रों को निचोड़ देता है तो पितर लोग जो जिस आशा से आते हैं कि आज हमारे जो पुत्र पौत्र आज हमारे लिए श्राद्ध करेंगे तो वो निराश हो जाते हैं, और जो वस्त्र का निष्पीडनोदक है जो निष्पीडन करने के बाद निचोड़ने के बाद जो जल गिरा है उसी को बलात् पीना पड़ता है उनको, और उसी को पी करके वे लौट जाते हैं। श्राद्ध के समय पे तो रहते ही नहीं, इसलिए शनि भौम दिने श्राद्धे श्राद्ध वाले दिन वस्त्रों को नहीं धोना ना निचोड़ना है। साबुन से की तो बात छोड़िए, वैसे भी नहीं धुलना है जब तक श्राद्ध नहीं हो जाए तब तक।
कुहु षष्ठी निरंशके, और कुहु कुहु माने अमावस्या के दिन नहीं धुलना है साबुन से। निरंशके का अर्थ एक जगह विद्वानों ने नवमी किया है, तो नवमी तिथि में भी जो नहीं धुलना चाहिए। शनि बहुम दिने श्राद्धे कुहु षष्ठी निरंशके, और षष्ठी के दिन नहीं धुलना है साबुन से कपड़े, और अगर कोई धुलता है तो वस्त्राणाम क्षार संयोग आसप्तमम कुलम दहति, अगर ऐसा करता है तो सात पीढ़ी तक के पितरों को कष्ट होता है। जो भी पितर लोग हैं, पूर्वज हैं हमारे, उनको कष्ट होता है, उनको वो जल पीना पड़ता है, ऐसा लिखा है। इसलिए इन दिनों में वस्त्र को साबुन इत्यादि से नहीं धुलना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात जो इनका बहन जी का प्रश्न था कि माताएं बहनें किस दिन सिर से स्नान न करें, तो देखिए अब सिर से स्नान करती हैं तो वो तो माताओं के लिए नित्य सिर के से स्नान करने का विधान नहीं है। तब लिखा हुआ है कि शतभिषा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन माता बहनों को बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, सिरस के स्नान है ना। देखिए चंद्रे शतभिषाम प्राप्ते नारी न स्नान माचरे भ्रमात् स्नाता तदा गंधाद्यै ही पूजयेत पतिम। ये जो है बहुत कार्य का श्लोक है, ये ध्यान देना। किसी भी माता बहन को शतभिषा नक्षत्र के दिन ससिरस्क स्नान करना वर्जित है। चंद्रे शतभिषाम प्राप्ते, यदि चंद्रमा जिस दिन शतभिषा नक्षत्र पर हो उस दिन नारी न स्नान माचरे, नारियों को स्त्रियों को माता बहनों को ससिरस्क स्नान नहीं करना चाहिए, सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। तो कोई यदि माता बहन कहे कि हमको तो पता नहीं चला कभी हमने नहा लिया हो, या कभी नहीं पता चलता है भ्रम से कोई स्नान कर ले, तो भ्रमात् स्नाता तदा, तो उसका क्या प्रायश्चित है, क्या विधान है, तो वो भी बतला रहे। भ्रमात् स्नाता तदा गंधाद्यै पूजयेत पतिम, यदि वो कोई भी महिला शतभिषा के दिन ससरस के स्नान करती है तो उसका प्रायश्चित है कि अपने पति का गंध आदि गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से अपने पति की पूजा करे, यही प्रायश्चित। अपने पति को चंदन लगाए, चावल लगाए, फूल माला इत्यादि चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए और धूप दीप और कुछ खाने पीने के लिए दे और प्रार्थना करे कि हम इस दोष से मुक्त हो जाए, तो वो दोष से मुक्त हो जाती, ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का वचन है। और महिलाओं को अगर ये बतला दिया जाए तो उनको बड़ी हंसी आती है और वो उस बात को मजाक में लेती हैं जो शास्त्र की बात है, क्योंकि करना क्या है उनको, तो किसी न किसी ऐसे जो आजकल जेल में बंद है ऐसे महात्माओं के पीछे लगना है, कुछ ऐसे जो जेल में बंद होने वाले हैं उनको गुरु बना के उनके पीछे जाना है। माने ये जो अशास्त्रीय और अमर्यादित जो दंडनीय व्यक्ति है उनको गुरु बनाना और उनके पीछे पड़ना है, क्या भले ही दंड मिले, दंडे मिले, यहां मिले, वहां मिले, कुछ भी मिले, तो ये करना। लिखा हुआ किसी भी तीर्थ में महिला को जाने का कोई मतलब नहीं है, जाए भले जाए वो बात निषेध नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहती है कि हमको तीर्थार्थिनी स्त्री पतिपादोदकम पिबे, कोई चाहती है कि हम गंगा जी में नहाए आए वहां चले जाए और वो नहीं जा पा रही तो क्या करें, बोले पति के चरणोदक को पी लीजिएगा, पति के चरणोदक से स्नान कर लीजिएगा, हो गया गंगा स्नान, वही फल मिलेगा। गंगा में जाकर के स्नान करने का फल किसने बताया, शास्त्रों ने ही तो बतलाया है गंगा जी की महिमा, वे ही शास्त्र ये कह रहे हैं कि यदि कोई पतिव्रता है, पतिपरायणा है, कोई महिला है, कोई जो जो है गंगा जी में नहीं जा सकती है, पैसे नहीं है, दूरी है या और कोई अन्य कारण है, तो पति पादोदकम पिवे, वो पति के चरणोदक को पी लेवे, पति चरणोदक से स्नान कर लेवे, हो गया गंगा स्नान। तो ये सब बहुत कार्य के ये जो है उत्तर हैं, ये बहन जी ने जो पूछे हैं प्रश्न, ये सर्वलोक हिताय हैं,
सभी माता बहनों के लिए बहुत कार्य के हैं कि उनको ही वस्त्र धुलना है, उनको ही ये जो स्नान करने के लिए बतलाया गया है, उनके लिए तीर्थ का विधान बतलाया गया है। तो आप लोग इसको माने और अनुसरण करें। जो अपना कल्याण करना चाहती है वो माने, जो आपन चाहे कल्याण, और जो नहीं चाहे तो वो शास्त्र के विपरीत चले। शास्त्र तो एक निर्देश करते हैं, गुरुओं की तरह आचार्य लोग निर्देश करते हैं, आप इसका पालन करिए तो आपकी सदगति होगी, नहीं करिए, नहीं करना है तो भाई अब आप जानिए, इसका विपरीत होना है। तो जो अपना कल्याण करना चाहती हैं वे शास्त्र निष्ठ होकर के अपने अधिकारानुसार कर्तव्य कर्तव्य का पालन करें तो इसी से सदगति संभव है। मनगणंत कार्य करने से या किसी आवारा तत्व के पीछे लगने से सदगति ना हुई है और ना होगी। हर हर महादेव।